अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। एरिया आप लोग को पता चल गया है, ट्रेन में कौन कौन सा एरिया होता है, ठीक है। इसका डायमेंशन अगर आपको नोट करना होगा, कितना कौन सा एरिया, कितना लंबा है, कितना मोटा है, कितना चौड़ा है, तो आप सबके पास एनसीईआरटी की बुक होगी, वहां से नोट कर लीजिएगा। मुझे नहीं लगता है कि उससे कोई क्वेश्चन आने वाला है। आपको जो भी क्वेश्चन आएगा उसके पार्ट से आएगा, वेंटर से आएगा, वेंटर के बाद आपकी मिट्टियाई हो गई, डिफरेंट डिफरेंट प्रकार की मिट्टियाई जो प्रेजेंट है आपके ट्रेन के डिफरेंट डिफरेंट रीजन में, उससे आ सकता है। इसके बाद से ट्रेन का कौन सा पोर्शन किस चीज को रेगुलेट कर रहा है, उससे क्वेश्चन बन सकता है। और साथ में आपका जो है ट्रैक, कुछ ट्रैक के हैं, ट्रैक का मतलब क्या होता है बताएगा मुझे, ट्रैक ट्रैक का मतलब क्या होता है? ट्रैक का मतलब होता है रास्ता। क्या होता है? रास्ता। जैसे बनारस में बहुत सारे रास्ते बने हुए हैं, बट पंचकोसी यात्रा का एक अलग से ट्रैक, मतलब पंचकोसी यात्रा जो होती है, सावन आ रहा है, बहुत सारे लोग जो है इसमें पार्टिसिपेट भी करते हैं, तो उसका ट्रैक अलग है हर जगह, चाहे पांडेपुर में हो, चाहे आपका सीपुर में हो, हर जगह उसका ट्रैक क्या है, बना हुआ। तो ये उसी प्रकार रेंज के अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट ट्रैक होते हैं। आने वाले टाइम में हम लोग ट्रैक को देखेंगे, लोकेशन को देखेंगे। ये लो, तो जो सबसे फर्स्ट पार्ट है, तो मैं स्टार्टिंग करूं फर्स्ट पार्ट की, तो सबसे पहला पार्ट कौन सा बनता है? नीचे से हमें स्टार्ट करना है, हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन का पहला पार्ट क्या है? मेडुला ऑब्लॉन्गाटा। मेडुला ऑब्लॉन्गाटा कहाँ प्रेजेंट है? फोरामेन मैग्नम से ऊपर, इसके नीचे, पॉन्स के नीचे का एरिया। अब जो मेडुला ऑब्लॉन्गाटा है, इसके अंदर डिप कितने ढेर सारे क्या होते हैं, मेनी न्यूक्लियस पाए जाते हैं, न्यूक्लियस बोल सकते हैं या न्यूक्लियाई बोल सकते हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के न्यूक्लियाई पाए जाते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट काम को क्या करेंगे, अंजाम देंगे। स्ट्रक्चर इसका कैसा होगा ध्यान से देखिएगा। अब तक आपने जो भी स्ट्रक्चर देखा डायग्रामेटिक में, वो साइड व्यू देखा। साइड व्यू देखा मतलब जैसे आप फोटो खिंचाते हैं, फोटो खिंचाते हैं तो कौन सा वाला पोज सबसे अच्छा लगता है? साइड वाला बंदा खींचे, फ्रंट वाले तो आजकल अच्छे नहीं आ रहे। आजकल तो है कि आप आसमान को देखें और फोटो खींचे, तो वही समझ जाइए आप आसमान को देख रहे हैं और फोटो आपका खींचा जा रहा है, तो वो हो गया आपका क्या चीज, साइड व्यू। जब साइड व्यू लेते हैं तो आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है इस प्रकार का स्ट्रक्चर। स्क्रीन तो दिख रहा है ना सबको, ये साइड व्यू है। Yes. अगर इसी को फ्रंट व्यू से देखा जाए, इसको किससे देखा जाए, फ्रंट व्यू से देखा जाए, तो जब फ्रंट व्यू में आप देखेंगे तो इसका स्ट्रक्चर कैसे नजर आने लगता है, कुछ यू नजर आएगा। दोनों में डिफरेंस आपको दिख रहा है? यहाँ पे ये वाला पोर्शन क्या हो गया है, छिप गया। ये वाला पोर्शन क्या हो गया, छिप गया। ये वाला पोर्शन क्या हो गया, छिप गया। ये वाला जो पोर्शन है, हर एक एरिया में जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पोर्शन आपको इम्बल्जेंस पोर्शन दिखेगा, वो कहीं ना कहीं किससे बिलोंग करेगा, ट्रैक से। ट्रैक से बिलोंग करेगा मतलब, कभी आप अगर हाईवे पे भी गए होंगे तो ये चीज देखा होगा कि जैसे हाईवे गया
और हाईवे पे साइड साइड पर आप देखते हैं तो आपको क्या मिल जाता है, कुछ अतिरिक्त स्थान मिल जाता है, अतिरिक्त लॉबी मिल जाती है। उस लॉबी में क्या होता है, कुछ जैसे ट्रक के हाईवे है, किसके लिए है, ट्रक्स वगैरह के लिए, हाईवे वाहनों के लिए है। तो वहां पर आप क्या करते हैं, वहां पर अपने वाहन ले जाके क्या करते हैं, कुछ देर के लिए आप खड़ा कर सकते हैं। तो वो एक रेस्टिंग है, एक अलग से मेन ड्राइव को छोड़कर थोड़ा सा वहां पर क्या करते हैं, आराम की जगह है। तो ऐसे ही यहाँ पे आपके क्या गए हैं, यहाँ पर आपके ढेर सारे न्यूरॉन्स ऊपर से नीचे जा रहे हैं, एग्जान ही एग्जान है यहाँ पर ढेर सारे एग्जान। क्यों, कुछ एग्जान जो मोटर के होंगे वो क्या करेंगे, ऊपर से नीचे जा रहे होंगे, कुछ एग्जान कैसे होंगे, सेंसरी होंगे, जो सेंस ऑर्गन से होके, मेडुला ऑब्लॉगेटा से होके कहाँ जा रहे होंगे, ब्रेन को जा रहे होंगे। तो अल्टीमेटली आपको इस वाले पोर्शन में क्या देखने को मिला, व्हाइट एरिया मिला। और ये जो व्हाइट एरिया आपको मिला किसकी वजह से मिला, एग्जाम के, एग्जाम जो है यहाँ पर भरपूर पड़ा हुआ है, भरा पड़ा हुआ है। और इसी एग्जाम के बीच बीच में आपको क्या मिल गया, न्यूक्लियाई मिल गया। और न्यूक्लियाई क्या हो गया, यानी कुछ सेल बॉडी, यानी यहाँ भी कुछ कंट्रोलिंग का काम होता है। मतलब रास्ता तो है बट क्या है, कुछ चीजें यहाँ पे हैं जो कंट्रोल करने का काम करती हैं। जैसे पहले कंट्रोलिंग सेंटर यानी न्यूक्लियाई, ढेर सारे क्या होंगे, ढेर सारे इसमें ढेर सारे इसमें सेल बॉडी होंगी, जिससे ये न्यूक्लियस बन गया। क्या पहला क्या मिलता है आपको, रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर, रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर। रिस्पायरेटरी सेंटर कहाँ मिलता है, एकदम डायरेक्ट ये क्वेश्चन आने वाले हैं ऑब्जेक्टिव में, सीधे पूछता है क्या चीज, रिस्पायरेटरी सेंटर कहाँ पाया जाता है। तो आंसर क्या आएगा आपका, रिस्पायरेटरी सेंटर प्रोजेक्ट इन मेडुला ऑब्लॉन्गेटा। रिस्पायरेटरी सेंटर काम क्या करता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रिस्पायरेटरी सेंटर आपकी डायाफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कहाँ पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है, ब्रेन में पाई जाती है, एक्सटर्नल कोस्टल मसल्स। क्यों, नहीं सर, ब्रेन नहीं पाई जाती है। लीवर कहाँ पाई जाती है, लीवर में। सर, जो प्लूरल कैविटी है उसको उसको मतलब बनाती है वही। लूनर कैविटी को बनाती है। और भी कोई अपना ज्ञान प्रसारित करे, देखे कितना ज्ञानी हो गए। लूनर कैविटी में तुमने बना दिया क्या चीज, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। और बताओ कोई मशीन, क्या तुम लोग ब्रेन पढ़ोगे, समझ में नहीं आता। सारे सिस्टम पढ़ाने के बाद से इसीलिए तुम ब्रेन पढ़ाना स्टार्ट किया। रिजन करने का तो तुम लोग नाम नहीं ले सकते। इंटरकोस्टल मसल्स विद इन द रिब्स, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स के बीच में पाया जाता है। अबे यार, नेट वो नहीं चल रहा, दिमाग खराब है। ये रिब्स के बीच में प्रेजेंट है। और डायाफ्राम, ये रिस्पायरेटरी सेंटर डायाफ्राम को और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स को क्या करता है, रेगुलेट करता है, यानी उसके कॉन्स्ट्रक्शन और उसके रिलैक्सेशन। ठीक, जो कि कहते हैं क्या चीज, बेसिक रिदम, जिसको बोलते हैं बेसिक रिदम ऑफ इंस्पायरेशन। ठीक है, बेसिक रिदम ऑफ ब्रीदिंग। और उस बेसिक रिदम में जो डायफ्राम का कॉन्स्ट्रक्शन है और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल्स का कंस्ट्रक्शन है, इसके कारण जो प्रोसेस होते हैं, ब्रीदिंग की जो प्रोसेस होती है वो होती है इनहेलेशन। ध्यान से सुनना, इनहेलेशन। अब जिन्होंने नहीं दोहराया होगा उनको बिल्कुल ना समझ में आने वाला है इनहेलेशन क्या। इनहेलेशन की जो प्रोसेस है वो गवर्न की जाती है रिस्पायरेटरी सेंटर के द्वारा। फिर क्या,
अब दूसरा इसी में प्रोसेस होता है एक्सहेलेशन, यानी एक्सहेलेशन को मेडुला ऑब्लॉन्गाटा कंट्रोल नहीं करता है, तो कौन करता है आने वाले टाइम में पता चलेगा, एक्सहेलेशन को कंट्रोल कौन करता है। एक्सहेलेशन होता कैसे है, इनहेलेशन में क्या होता है, चीजें कॉन्स्ट्रिक्ट हुई तो क्या हो गई, एरिया इंक्रीज हो गया, इनहेल हो गया, अब चीजें क्या होंगी, रिलैक्स होगी। जब रिलैक्स होंगी यानी रिलैक्स होंगी मतलब जो भी कॉन्स्ट्रक्शन हुआ होगा वो अपने नॉर्मल पोजिशन पे जाया जाए, यानी रेस्टिंग की कंडीशन, यानी इस सेंटर को, इस रिस्पायरेटरी सेंटर को अगर कोई दूसरा बंदा क्या कर दे, इसको सप्रेस कर दे या इसको बंद कर दे, कुछ टाइम के लिए बंद कर दे, तो क्या होंगे, जो भी आपका डायफ्राम होगा और जो भी आपका एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है वो अपने नॉर्मल पोजीशन पर आएंगे। दिस प्रोसेस इज नोन एज इन एक्सहेलेशन। तो एक्सहेलेशन इज नॉट गवर्न्ड बाय द रेस्पिरेटरी सेंटर, इट्स गवर्न्ड बाय अनदर सेंटर विच आर नॉट प्रेजेंट इन मेडुला ऑब्लॉन्गाटा। वो प्रेजेंट कहाँ होता है, वो प्रेजेंट होता है पॉन्स में, कहाँ प्रेजेंट होता है पॉन्स में, इसके बाद से पॉन्स के ऊपर आऊंगा। तो ये हुआ आपका रेस्पिरेटरी सेंटर। पिछले सेमेस्टर में आपने पढ़ा था एक सेंटर, दैट इज द कार्डियोवेस्कुलर सेंटर। करता क्या था कार्डियोवेस्कुलर सेंटर, कार्डियोवेस्कुलर सेंटर जो है कंट्रोलिंग बॉडी थी, कंट्रोल कर रही थी किस चीज को, हार्ट के रेट को, किसके, हार्ट के रेट को और फोर्स ऑफ हार्ट बीट, यानी हार्ट के कॉन्स्ट्रक्शन की जो फोर्स है उसको और साथ में हार्ट की रेट को, दोनों को क्या करती है, कंट्रोल करती है, दोनों को क्या करती है, इंक्रीज करती है, और साथ में ब्लड वेसल्स के ऊपर क्या काम करता है, ब्लड वेसल्स के डायमीटर को इंक्रीज करती है। दूसरा क्या, तीसरा कौन सा सेंटर मिला, स्नीजिंग। स्नीजिंग मतलब क्या होता है, छींकना। छींकना, छींकना। तो छींकने का भी कंट्रोल कहां से होता है, जो आपको छींक आती है वो भी कंट्रोल किया जाता है, वो भी आपके ब्रेन की एक्टिविटी के थ्रू होता है। और कौन सा सेंटर उसमें पार्टिसिपेट करता है, स्नीजिंग सेंटर, का नाम ही क्या है, स्नीजिंग सेंटर। और स्नीजिंग में होता क्या है, छींक क्या है, देखो यहाँ पर तीन चीजें आपको अलग अलग पता चलेंगी, एक छींक, छींक अलग चीज होती है, कफ अलग चीज होता है, हिकअप अलग चीज होता है। स्नीजिंग में क्या होती है, आप स्पास्मोटिक कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ ब्रीदिंग होता है, ब्रीदिंग मसल्स, जो ब्रीदिंग में मसल्स पार्टिसिपेट कर रही है उसकी स्पास्मोटिक, एकाएक क्या होती है, एकाएक बाहर की तरह एक्सहेल कर दिया जाता है, लेकिन इससे पहले चीजों को इनहेल नहीं किया जाता, फोर्सफुली या उसको इनहेल, एयर को इनहेल नहीं किया जाता, जो चीजें होती है उसको निकाल दिया जाता है। क्या होगी, छींक, और छींक को कंट्रोल कौन करता है, छींक का सेंटर पाया जाता है मेडुला ऑब्लॉन्गाटा। कफ में क्या होता है, कफ में होता है पहले एयर को लिया जाता है, आपको पता भी नहीं चलता है एयर क्या होती है, खांसने से पहले क्या होता है, बंदा एयर को इनहेल कर लेता है, जब वो एयर को इनहेल करता है इसके बाद से जो छींक में आपकी जो है जितने फोर्स से निकलती है उससे ज्यादा टोन के साथ, ज्यादा टोन के साथ, ब्लास्ट के साथ क्या होती है, सडन ब्लास्ट के साथ एयर को क्या किया जाता है, बाहर निकाला जाता है, सडन एयर ब्लास्ट ऑफ एयर। और जब सडन एयर ब्लास्ट किया जाता है तो वो क्या होता है, एक साउंड के रूप में बाहर निकलता है और अलग अलग जितनी फ्रीक्वेंसी जितनी मात्रा के साथ वो बाहर निकलता है वैसे आपकी क्या होती है, खांसी की आवाज आती है। किसी को करके खांसता है, कोई कुत्ते की तरह खांसता है, ये क्या है, ये सारी क्या है, सडन ब्लास्ट है। ब्लास्ट मतलब क्या, छोटा पटाखा फूटता है तो छोटा आवाज आता है, बड़ा फूटेगा तो बड़ा आएगा, तो दैट इज द डिफरेंस ऑफ साउंड। तीसरा जो है हिकअप, हिकअप क्या होता है, हिचकी, हिचकी, हिचकी क्या होता है, स्पास्मोडिक कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ डायाफ्राम। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है,
डायाफ्राम का स्पाज्मोटिक कॉन्स्ट्रक्शन होता है, यानी जल्दी जल्दी क्या होते हैं ये कॉन्स्ट्रक्शन और रिलैक्सेशन। यानी आप ये भी समझ सकते हो क्या चीज आंख जैसे फड़फड़ाती है तो वो करती है, वैसे ये भी क्या होता है कुछ टाइम फड़फड़ाता है। वो फड़फड़ाना आपको किस रूप में मिलता है, हिकअप के रूप में मिलता है। और छोटे बच्चे जब हिकअप लेते हैं, ठीक है, जब छोटे बच्चे हिकअप लेते हैं तो गांव में लोग ऐसा ज्यादातर बोलते हैं क्या चीज कि बच्चे क्या है पेट बड़ा कर रहे हैं, एकदम एग्जैक्ट चीजें बोलते हैं क्या, जो हमारी फिलोसफी है एकदम सटीक चीजें एनाटॉमी और फिजियोलॉजी से एकदम निकाल के दार्शनिक बना रखता है। उसमें क्या होता है डायफ्राम जब इंक्रीज होता है तो स्पाज्मोटिक मूवमेंट आता है और उसकी वजह से डायफ्राम का एरिया इंक्रीज होता है और उसको क्या कहते हैं उससे आपके स्टमच का एरिया क्या होगा इंक्रीज होगा, लंग्स का एरिया क्या होता है इंक्रीज होता है। नेक्स्ट वोमिटिंग सेंटर, वोमिटिंग सेंटर कहाँ पाया जाता है, वोमिटिंग होता क्या है, वोमिटिंग का मतलब होता है जो भी आपने खाया पिया जब वो स्टमच में गया उस देर तक स्टमच में रहा और उसमें जब सलाइवा और आपकी वो जूस आए उसमें सेक्रेशन हो गया, इसके बाद से अगर ऐसा कोई रिफ्लेक्स एक्शन आता है, कोई ऐसा रिफ्लेक्स एक्शन आता है जिससे आपकी स्टमच की जो इसोफेगियल इंस्फिंक्टर है, इसोफेगियल इंस्फिंक्टर मतलब ये गया और यहाँ से आपका स्टमच बना हुआ है तो यहाँ पर क्या होता है इंस्फिंक्टर होता है, इस इंस्फिंक्टर को क्या कर दिया जाए लूज कर दिया जाए और यहाँ से मटेरियल क्या हो बाहर निकल जाए दैट इज वोमिटिंग और इसको भी रेगुलर वोमिटिंग सेंटर करता है। डिग्लुटेशन, डिग्लुटेशन क्या होता है ये भी एनाटॉमी बता रखता हूँ, क्या होता है डिग्लुटेशन सर निकलना भी क्या होता है इसी के द्वारा कंट्रोल होता है। गुस्टेटरी न्यूक्लियस, गुस्टेटरी का मतलब क्या होता है ये पिछली सेशन से पढ़ाया टेस्ट बड, टेस्ट बड का दूसरा नाम गुस्टेटरी बड था, कहाँ पाया जाता है टंग्स के ऊपर, यानी आपको टेस्ट का सेंसेशन भी कहाँ से मिलता है कौन रिकॉग्नाइज करता है मेडुला ऑब्लांगाटा। नेक्स्ट कोक्लियर न्यूक्लियाई, कोक्लियर न्यूक्लियाई का काम क्या होता है, कोक्लिया कहाँ पड़ा था बता रहा हूँ सुमार से सर ईयर में, ईयर के भीतर, ईयर में था। ऑडिटरी, ऑडिटरी मतलब हियरिंग। नेक्स्ट है वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई, वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई का मतलब वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई इसमें है वेस्टिबुली कहाँ पाया गया था, वेस्टिबुली कहाँ पाया गया था इंटरनल ईयर में, आता जाता तुम लोगों को कुछ है नहीं तो वो नोट्स जो है इकट्ठा कर रहे हो तो सोमवार से पता ही चलने वाला है कितना दिनों पढ़ रहे हैं बस खत्म इसके बाद से जो है। हाँ मेडुला ऑब्लांगा इस ये किससे रिलेटेड होता है इक्विलिब्रियम से। अब मेडुला ऑब्लांगाटा ये काम को कर रहा है न्यूक्लियस बन रहा है तो क्या होगा, न्यूक्लियस अगर बना है तो उसमें नर्व्स होंगे, कैसी नर्व्स होंगे क्रेनियल नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स ब्रेन है इससे जो चीजें निकल नहीं होंगी जो निकल नहीं होंगी उनको क्या बोलते हैं भाई, क्रेनियम से जो नर्व्स निकलते हैं उनको क्या बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स हर चीज का क्या है एक फीलिंग है। फर्स्ट सेमेस्टर आपको क्रेनियल नर्व्स पढ़ाया गया है, स्पाइनल नर्व्स पढ़ाया गया है, इसके बाद से ब्रेक पढ़ाया जा रहा है, पहले नहीं पढ़ाया गया ब्रेक। इसका मतलब ये नहीं कि आप कभी ऐसा होता है क्या कि जब ककगा जो जिन बच्चों को ककगा नहीं आता वो सेंटेंस पढ़ना जान जाता, ऐसा नहीं होता ना, अगर उनको आर की मात्रा ई की मात्रा अगर भूल गए तो कोई किताब नहीं पढ़ सकते, तो वो सारी चीजें एकदम फैक्ट है
अगर आप पीछे से रिवीजन करते हुए नहीं आ रहे हैं एटलीस्ट इस सेमेस्टर का, तो आपको अब रिवीजन अब तो डिप पे आ जाना चाहिए। इतना टाइम मिल गया, इतना धीमे धीमे कोर्स खत्म हुए, इसके बावजूद आंसर नहीं आ रहे। यहाँ पर आपको क्या मिलेंगी, क्रेनियम नर्व्स हमने बता रखे, कितनी क्रेनियम टोटल कितनी क्रेनियम नर्व्स होती है, कितने पेयर होती है, 12 पेयर। कोई नाम बता सकता है 60 वाला जो हमने न्यूमेरिक्स बताया था आप लोग को? ओ करके बताया था हमने, यस सर, ओ टू टच एंड फील वेरी गुड वेलवेट एज हेवन। जिनको ये सेंटेंस याद होगा उनको 12 की 12 क्या हो जाती है, याद रहती है। चलिए उस 12 में से 5 जो है आपके जो है 5 जो है जो क्रेनियल नर्व्स हैं वो यहाँ मिलती हैं। कौन कौन से जैसे जैसे काम है, वेस्टिबुलो कॉक्लियर किससे रेगुलेटेड, किस चीज से है, इक्विलिब्रियम और हियरिंग से, गैस्ट्रेटरी ग्रेसो फारेंजियल किससे है, टंग से रिलेटेड होती है, वेगस नर्व हार्ट से रिलेटेड है, और एसेसरी नर्व्स स्वेलिंग से रिलेटेड होती है, हाइपोग्लोसल नर्व्स कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ टंग्स यानी चॉमिंग, यानी किससे चॉमिंग, नॉट रिलेटेड टू स्पीक, स्पीक का सेंटर अलग होता है, हाँ कोऑर्डिनेशन होता है हर सेंटर का, हर सेंटर के साथ कोऑर्डिनेशन होता है। तो ये तो हो गया आपके डिफरेंट डिफरेंट जो सेंटर प्रेजेंट है मेडुला ऑब्लॉन्गाटा में। साथ में अब देखिए वो वाला स्ट्रक्चर हमने यहाँ पर छोटा सा बना रखा है, कौन सा, ये अभी आपको बताया ना हमने। अब इसमें जो आपको एक्स्ट्रा एरिया ये दिख रहा है, ये एक्स्ट्रा एरिया कौन सा, ये ग्रीन वाला, इस एक्स्ट्रा एरिया को क्या नाम देते हैं, पिरामिड, इसको क्या नाम देते हैं, पिरामिड, ये पिरामिड है। और इस पिरामिड के प्लेस पे, इस पिरामिड के प्लेस पे जितने भी नर्व्स ऊपर से आ रही होंगी, इसी पिरामिड के प्लेस पे क्या होगी, जो दाएं वाले आपके ब्रेन से होके आ रही होगी वो क्या करती है, इस साइड चली जाती है, जो बाएं से आ रही है वो दाएं चली गई, और ये देखा आपने क्या किया यहाँ पे, इस पिरामिड वाले एरिया में, इस एरिया में क्या हो गई, एक्चुअली में ये जाता कहाँ पे है, ये नीला वाला एक्चुअली जो इसकी पोजीशन होती है ऐसी होती है, ये गया अब इसके वहां पर मुड़ने से वहां पर जाके यहाँ पर क्रॉस सेक्शन बना रही है, उस एरिया में जा रही है, इसके बाद वहां से वो फिर नीचे जा रही है, इसके वजह से क्या होता है, वो स्वेलिंग एरिया आ जाती है, और वो स्वेलिंग एरिया किस नाम से जाना जाता है, पिरामिड, मेडुला ऑब्लॉन्गाटा में कल पिरामिड हो गया। और इस फिनोमेना को एक दूसरे को क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है, जो नर्व्स आ रही है, कंट्रोलिंग मोटर नर्व्स जो आ रही है वो इसको क्या कर रही है, वो एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, यानी दाएं हेमिस्फीयर का, सेरेब्रम हेमिस्फीयर का जो से जो मोटर नर्व्स आ रही है वो बाएं, वो जो है दाएं लेग को कंट्रोल कर रही है, और जो बाएं हेमिस्फीयर से आ रही है वो हमारे दाएं लेग को कंट्रोल कर रही है। तो ये क्रॉस सेक्शन जो होता है इसको बोलते हैं क्या चीज, डिकुसेशन ऑफ पिरामिड, क्या बोलते हैं इसको, डिकुसेशन ऑफ पिरामिड। तो ये वाला जो चीज है हो गया, ये हो गया डिकुसेशन ऑफ पिरामिड। इसीलिए कहा जाता है क्या चीज, आपका दाया
दाया दिमाग किसको कंट्रोल करता है? बाएं बाएं वाले अंगों को कंट्रोल करता है, और बाया वाला दिमाग किसको कंट्रोल करता है? दाएं वाले पोर्शन को कंट्रोल। इतनी बात समझ में आ गई? अब इससे ज्यादा कहीं से पोर्शन जाने वाला आने वाला है, ठीक है? बाकी आप स्ट्रक्चर देख लीजिएगा, मतलब उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो भी होगा देखेंगे, अगर पोर्शन से निकल रहा होगा तो उसको भी बताएंगे, बट इससे ज्यादा आपको दूसरा आपका जो पोर्शन आता है दैट इज द पॉन्स। पॉन्स पॉन्स क्या होता है? पॉन्स कहाँ पाया जाता है? मेडुला ऑब्लॉगाटा के ऊपर वाला पोर्शन। और इसका इंपॉर्टेंस कहाँ देखने को मिलता है? इसका इंपॉर्टेंस कहाँ मिलता है? आपके आपके रिस्पायरेशन के ऊपर मिलता है, ठीक है? बचपन में या हाई स्कूल में यही सुना था कि रिस्पायरेशन को कंट्रोल करने का काम किसके पास होता है? पॉन्स के पास होता है। तो बीच में आप लोग गाटा घुस गया, यानी मेडुला आप लोग गाटा में आपका रिस्पायरेशन सेंटर होता है, लेकिन जो रिस्पायरेशन कंट्रोलिंग है वो किसके पास में है? वो आपके पास पॉन्स के पास में, यानी कंट्रोल करने का काम पॉन्स करता है। और पॉन्स के अंदर दो सेंटर पाए जाते हैं, एक सेंटर होता है न्यूमेटैक्टिक सेंटर और एक होता है एक्नुएटिक सेंटर। एक होता है आपके न्यूमोटैक्टिक सेंटर और दूसरा होता है एक्नुएटिक सेंटर। न्यूमेटैक्टिक सेंटर क्या होता है? न्यूमोटैक्टिक सेंटर जो होता है वो रिलैक्स करने का काम करता है। इसको रिलैक्स करें, यहाँ पर माइनस साइन हमने लगाया, माइनस साइन का मतलब क्या होता है? चीजों को इनहिबिट करना, रिलैक्स कराना। तो रिलैक्स किसको करा रहा है? ये रिस्पायरेटरी सेंटर को। रिस्पायरेटरी सेंटर कहाँ प्रेजेंट है? मेडुला ऑब्लॉगाटा में। यानी एब्ल्यूमेटिक सेंटर जो है, न्यूमेटैक्टिक सेंटर जो है, वो रिस्पायरेटरी सेंटर को क्या करता है? इनहिबिट करता है, लेकिन ये ज्यादा टाइम के लिए नहीं करता है। कितने टाइम के लिए करता है? कुछ सेकेंड के लिए करता है। और कुछ सेकेंड कितना होता है? 3 सेकेंड। और 3 सेकेंड में क्या होता है? एक्सहेलेशन होता है, जो एयर होती है वो बाहर निकल जाती है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट